अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जियो नेशनल और मैं हूँ आपका मेजबान शाकिर मातू और मैं अदीना मलिक। रुख करते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों की तरफ। अक्सरियत पश्तूनी सिक्योरिटी फोर्स पर आज दोपहर हिंदवाड़ा के लंगेट इलाके में फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई के दौरान एक अक्सरियत पसंद शदीद तौर पर जख्मी हो गया। जख्मी अक्सरियत पसंद को इलाज और मुआवजा के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अक्सरियत पसंद की शिनाख्त अबरार हसन वालिद गुलाम हसन गोजर सकिन आजाद गुंड बारामूला के बतौर हुई। पटन में दो तारीखी चश्मे जो सिकनाक और बोधनाक के नाम से मशहूर हैं, इन दोनों चश्मों की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई खराब है। ये मुकम्मल तौर पर बंद पड़े हैं, कचरे के बाद पानी नहीं निकल रहा है। जियो नेशनल के लिए शेख निसार की रिपोर्ट। नाज़रीन, आप देख रहे हो जियो नेशनल और मैं हूँ आपका मेजबान शेख निसार। इस वक्त हम ठीक बिल्कुल मरकजी ईदगाह पट्टन के पीछे तरफ हम खड़े हैं। तो नाज़रीन, आप मेरे पीछे देख रहे हो कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो तहसील पट्टन है, तहसील पट्टन में यहाँ पर जो है कि दो पानी के चश्मे हैं, या मैं ये कहूँ कि तवारीखी यानी कि हिस्टोरिकल यहाँ पर जो है दो स्प्रिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं कि जिसको यहाँ पर जो लोकली यानी कि लोग कहते हैं, एक जो मेरे पीछे है इसको लोकली हम यानी कि कश्मीर लैंग्वेज में हम यहाँ पर इसको लोग यहाँ पर कहते हैं बड़ा नाग, और इसके मेरे बिल्कुल ठीक यानी कि फ्रंट साइड में एक और जगह पे एक और यहाँ पे स्प्रिंग है, उसको कहते हैं सिख नाग। तो मैं आपको दोनों जो यहाँ पे स्प्रिंग्स है इसके विजुअल्स दिखाऊंगा। यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर हम एक तरफ कहते हैं कि हमारी जो सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एक तरफ कहती है कि प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन यानी कि पानी है वो नज़र ही नहीं आता, इतनी गंदगी है उसमें। हालांकि यहाँ पर 5-6 दिन पहले म्यूनसिपल कमेटी पट्टन ने यहाँ पर सफाई की, और मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि म्यूनसिपल कमेटी पट्टन ने जो यहाँ पर सफाई की कि आपको खुद लगेगा कि उन्होंने सफाई की है या नहीं। बस वन गवर्नमेंट करो साफ खराबी गुजर तुम्हें ज्यादा खराबी असल चश्म ये आब चवान अक टाइम मे बूजमुत मान फिक्र मे स्नान वान हू यह कहान यह खराब यह नाग ये सो हिसाब आज रूदमुत बस गवर्नमेंटस कर अपील करो ठीक क्या वह इंसान गाँव तंग अम ब्रो ये खुश ग बुत चल वजू कर नमाज पड़ान अम आब आज इंसान खोचान युन वह क्या ये अम ब्रो सफाई मगर सान सही कहीं सह गलत मतलब ये आई असल तरीकस मे सफाई कर ठेकदार वेकदार तमो कड़ा जड़े बस कर गवर्नमेंटस अपील ये दू बाब पाज ये आब ग बुत पाज यह मेन वोल तम बुत बल क्या दू मेन वोल। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद ने कहा कि तकरीबन 30 हफ्तों के बाद तारीख़ जामा मस्जिद को मिराज आलम के बाद जुम्मे के मौके पर आज अकीदतमंदों के लिए खोल दिया गया। खुतबा जुम्मा इमाम हई सईद अहमद नक्शबंदी ने दिया क्योंकि मीरवेज उमर फारूक मुसलसल नज़रबंद हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर पंथाल के मकाम पर एक टू व्हीलर गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में ड्राइवर शदीद तौर पर जख्मी हुआ। जख्मी को नजदीक अस्पताल मुंतकिल किया गया। जम्मू व कश्मीर के पुंछ जिला में मेंढर के सखंदान इलाके में जमीन के तनाजे पर दो खानदानों के दरमियान झगड़े के बाद 7 अफराद जख्मी हो गए। जरिया के हवाले से इतला दी है कि ज्यारत छोटा बादशाह के करीब मोहम्मद शफी और शाह मोहम्मद के खानदानों के दरमियान जमीन के तनाजे पर तसादम हुआ, जिसके दौरान 7 अफराद जख्मी हुए। जनूबी कश्मीर के त्राई इलाके में शादीशुदा यूक्रेन की बेटी आयशा जान रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग से परेशान हैं, जो अपने ससुराल में अमन की दुआएं मांग रही है। आयशा जान का कहना था कि वो चाहती हैं कि उसके मुल्क में जल्द से जल्द जंग बंदी खत्म हो जाए। आपको बता दें कि आयशा की शादी त्राल कश्मीर के मंदरू गाँव में एक ताजिर बिलाल अहमद से हुई है और इसकी दो बेटियाँ भी हैं। भारतीय हुकूमत ने कश्मीर में हालत मामूल पर लाने के लिए कुछ इकदाम किए हैं। एक सीनियर अमरीकी सिफारतकार ने अमरीकी कानून साजों को बताया है कि जो बाइडन इंतजामिया खतरे में दहशतगर्दी के खतरात समेत सलामती की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। भारतीय पार्लियामेंट ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू व कश्मीर की खसूसी हैसियत को मनसूख करते हुए रियासत को दो मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में तकसीम कर दिया था।
محکمہ موسمیات کی طرف سے برفباری کی ایک اور مرحلے کی پیش گوئی کے بیچ وادی کشمیر کے سیاحتی مقام گلمرگ اور پہلگام میں دوران شب تازہ برفباری ہوئی جبکہ میدانی علاقوں میں بارشیں ہوئی۔ متعلقہ محکمہ کے ایک ترجمہ کا کہنا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران وادی میں کہیں کہیں ہلکی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ہوائیں وادی میں داخل ہونے کا امکان ہے، جس کے نتیجے میں 6 سے 7 مارچ کو برفباری ہونے کی توقع ہے۔ دیجیے اپنے میزبان شاکر ماتور اور ادینہ ملک کو اجازت، ملتے ہیں اگلے شمارے میں، خدا حافظ۔